ये आपका ग्राम पंचायत का बात था, उसमें आपका ग्राम पंचायत निकाल दिया सेक्शन में कहा जा रहा है। ये भूमि प्रबंधन समिति आपका चल रहा था, LMC यानी कि लैंड मैनेजमेंट कमेटी, धारा 28A, ये भी मेंस में आपका काफी पूछा जाता है। ग्राम पंचायत बता दिया गया था, तब कि ग्राम पंचायत के कार्य बताए जाएंगे और शक्तियाँ क्या है, ये भी आपका मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। लेकिन पहले आपका देखिए कल कंसेप्ट बनाया गया था, फिर एक बार आप देखिए कि जब जमींदारी प्रथा समाप्त हुई तो जो जमींदारों के पास जमीन यानी कि भूमि यानी कि लैंड था उसे राज्य सरकार ने एक्वायर कर लिया, यानी कि वह जमीनें कुएं तालाब जो बाग बगीचे और बंजर भूमि थी किसमें निहित हो गई, किसमें वेटेड हो गई राज्य सरकार में, और राज्य सरकार ने उसे किसको दे दिया गांव में, भूमि प्रबंधन समिति। तो भूमि प्रबंधन समिति में ग्राम पंचायत ही भूमि प्रबंधन समिति भी होगी, यानी कि प्रधान और जो वार्ड मेंबर हैं या ये आपका भूमि प्रबंधन समिति भी कहलाएंगे। लेकिन भूमि प्रबंधन समिति का जो आपका सचिव होगा, सेक्रेटरी होगा, वह कौन होगा, लेखपाल, क्योंकि जमीन जायदाद का मामला है गांव के या ग्राम समाज के, तो कौन इसका मैंने लेखा जोखा रखेगा, आपका लेखपाल, कल डिटेल में बताया भी गया था। अब आइए ये आपका 28A बताया गया अभी, यानी कि भूमि प्रबंधन समिति। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन बनता है कि भूमि प्रबंधन समिति के कार्यों का उल्लेख करिए, तो फिर एक बार कॉन्सेप्ट आप बना लीजिए, ग्राम सभा का गठन और उसका कार्य अच्छे से मेंस के लिए तैयार रखना है, फिर आपका ग्राम पंचायत का गठन और ग्राम पंचायत के कार्य अभी हम बता दिए हैं, शक्तियाँ भी बताना बाकी है, यानी कि कार्य बहुत ज़्यादा थे लेकिन क्या क्या पावर है इसके बाद बताया जाएगा। और तीसरी जो संस्था है आपका भूमि प्रबंधन समिति, इसी के कार्य हम बताने जा रहे हैं। देखिए क्या क्या कार्य है, धारा 28 में कार्य दिया गया है। पहला देखिए, भूमि प्रबंधन समिति पर ग्राम पंचायत के लिए और उसकी ओर से धारा 28A में अभिदिष्ट समस्त संपत्ति, यानी कि दी हुई समस्त संपत्ति इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं के सामान्य प्रबंधन, परिरक्षण और नियंत्रण का भार होगा। इसका मतलब ये हुआ कि भूमि प्रबंधन समिति का मुख्य कार्य ये है कि जो संपत्ति 28A में दी गई है जिसके और उन संपत्तियों का वो क्या करे, प्रबंधन करे माने देख रेख करे, परिरक्षण करे माने संरक्षण करे, कोई ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा न करे इत्यादि ये देखे और उन भूमियों पर अपना कंट्रोल रखे, ये किसका कार्य है, आपका भूमि प्रबंधन समिति का। अब देखिए क्या क्या कार्य है, पहला देखिए, एक भूमि का बंदोबस्त तथा प्रबंध, किंतु इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियम 1950 की धारा 117 के अधीन अथवा उक्त किसी अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन ग्राम पंचायत में तत्समय निहित किसी संपत्ति का अंतरण नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि भूमि प्रबंधन समिति इन संपत्तियों की देखभाल करेगी, कोई कब्जा न करे, इसका मिसयूज न हो, लेकिन इन संपत्तियों को ट्रांसफर करने या इन संपत्तियों की को किसी दूसरे को देने की शक्ति आपका भूमि प्रबंधन समिति को नहीं हो। देखिए आपका होता क्या था और क्यों ये नियम चेंज किया गया, जो गांव में आपका ग्राम प्रधान और लेखपाल मिलकर करते क्या थे पहले, कि जो ग्राम समाज की भूमि है
वह किसी को भी ट्रांसफर कर देते थे। तो सरकार ने ये सोचा कि ये तो भाई आसान तरीका है, प्रधान जी बेईमानी भी करते थे और जो प्रधान जी का खास खास लोग थे उसी को ग्राम समाज की जमीन क्या करते थे, ट्रांसफर। तो सरकार ने अब ये कहा कि केवल ग्राम प्रधान और यानी कि भू प्रबंधन समिति के कहने से कोई अंतरण नहीं होगा, तो कैसे ट्रांसफर होगा अगर ग्राम समाज की जमीन का ट्रांसफर करना है, तो इसके लिए आपका ये लोग रिकमेंड कर सकते हैं, आगे बताया जाएगा। ये लोग केवल अब क्या कर सकते हैं, सिफारिश कि इन इस बैंक को ये भूमि ट्रांसफर कर दी जाए जो ग्राम समाज की है, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं अब उनके ऊपर चला गया है चाहे ट्रांसफर करे या न करे, और ये नियम आपका अलग बताया जाए, लेकिन भूमि प्रबंधन समिति सिफारिश जरूर कर सकती है ये ग्राम समाज या ग्राम सभा की जो जमीन है ये इनको क्या कर दिया जाए, दे दिया जाए। तो आगे अभी बताया जाए यानी कि कुल मिलाकर जो ये भूमि प्रबंधन समिति है ये जमीनों का ट्रांसफर नहीं कर सकती, तो भाई सिफारिश जरूर कर सकती है। दूसरा देखिए कार्य का भूमि प्रबंधन समिति का, वन और वृक्षों का परिरक्षण अनुरक्षण और विकास। जो ग्राम में माने वन है या वृक्ष है उनकी देखभाल करें, उनका अनुरक्षण करें, ये किसका कार्य है, भूमि प्रबंधन समिति का। तीसरा आपका हो गया आबादी स्थलों तथा ग्राम संचार साधनों का अनुरक्षण और विकास करना, यानी कि जहाँ आपका आबादी स्थल है जहाँ लोग रहते हैं उसका अच्छे से विकास हो, इसका मतलब कि रोड और पानी की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, मकान एक तरीके से बने, ये किसका कार्य है करना, भू प्रबंधन समिति का। और ग्राम संचार साधनों का अनुरक्षण करे, विकास करे, तो ग्राम संचार साधन का मतलब ये हुआ कि जो संचार के साधन है तो संचार के साधन आजकल कौन है, आप देखते रहे मोबाइल टावर लगवाइए, ये लगवाइए, नेटवर्क सही रहे, किसका कार्य है संचार, संचार के साधन सही रहे, भूमि प्रबंधन समिति। इसके बाद हाटों बाजारों तथा मेलों का प्रबंधन, यानी कि हाट लगवाए, बाजार लगवाए, मेला लगे तो ग्राम भूमि प्रबंधन समिति उसकी व्यवस्था करे कि अव्यवस्था न फैले। जलाशयों और तालाबों का अनुरक्षण तथा विकास, जो गांव में जलाशय हैं तालाब हैं उनकी भी देखभाल करें, उसमें भी प्रधान जी पैसा खूब कमा लेते हैं, जलकुंभी लग गई है तालाब में तो लगाएंगे 10 लेबर निकलवा देंगे और कहेंगे कि जलाशय का क्या किया गया, तालाब का पुनरुद्धार, और पूरा पैसा लेबर 10 लगे और 100 लेबर का क्या लगवा निकालेंगे पैसा, यानी पैसा 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 केवल पैसा है भाई। ज्योत चकबंदी में सहायता देना, ये ग्राम पंचायत का भी कार्य था भू प्रबंधन समिति का। तो आपको ज्योत चकबंदी बताई गई भाई, तो बताइए एक आदमी के नाम अधिकतम कितने चक कट सकते हैं, 3। अगर 3 से अधिक चक कट गया तो वह अवैध नहीं होगा, लेकिन सामान्यतः कितने अधिकतम, 3। तो चकबंदी अधिनियम भी पढ़ना, ये नहीं कि नहीं कैसे चकबंदी होती है। चकबंदी अधिनियम भी आगे पढ़ा जाएगा। अगला देखिए, ग्राम पंचायत द्वारा या उसके विरुद्ध समिति के कृतियों से संबद्ध अथवा उनसे उद्भूत होने वाले वादों और कार्यवाहियों का संचालन और अभियोग, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए आपका बताया गया था कि जो ग्राम पंचायत होती है वह कारपोरेट बॉडी होती है, तो ऐसी दशा में ग्राम पंचायत की ओर से मुकदमा दायर करना और ग्राम पंचायत पर मुकदमा हुआ है तो उसमें ग्राम पंचायत का बचाव करना, ये किसका कार्य है, तो भूमि प्रबंधन समिति। यानी कि फिर एक बार देखिए, यानी कि भूमि प्रबंधन समिति सिविल वाद अभी धारा 9 में बताया भी जाएगा, सीपीसी में जो सिविल सूट होता है
दीवानी मुकदमा होता है, ये भूमि प्रबंधन समिति ग्राम पंचायत के नाम से क्या करेगी? दायर, यानी कि कोई अतिक्रमण कर लिया, इत्यादि कर लिया ग्राम सभा की जमीन पे, और कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत के खिलाफ मुकदमा कर सकता है। अगर गांव में कोई अपराध किया जाता है, जैसे कि अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया, तो क्रिमिनल मुकदमा भी कर सकती है। कौन सी? यानी कि FIR कराना, इंतजार कराना, परिवाद करना, ये किसका कार्य है? ग्राम पंचायत की ओर से भूमि प्रबंधन समिति। तो ग्राम पंचायत के ही नाम से होगा, ये नहीं कि क्योंकि विधिक व्यक्तित्व कौन रखता है? ग्राम पंचायत। लेकिन कब करेगी कौन? आपका भूमि प्रबंधन समिति। फिर एक बार कॉन्सेप्ट बनाइए, ग्राम सभा हो गई, ग्राम सभा की कार्यकारिणी कौन है? ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत की विशेष कार्यकारिणी कौन है? भूमि प्रबंधन समिति। तो ग्राम पंचायत की ओर से ये सब कार्य कौन करेगी? लोग एक ही है बस, आपका लेखपाल जी क्या हो गए सचिव के रूप में, और तो प्रधान जी है। अगला देखिए भाई, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियम 1950 अथवा किसी अन्य अधिनियमित के अधीन, अधिनियमित मैंने एक्ट या कानून के अधीन भूमि प्रबंधन समिति को विशेषतः अभ्यर्थित कृत्यों का संपादन, मैंने थोड़ा हिंदी कठिन लिखी गई है, अभ्यर्थित मैंने सौंपे गए ना, तो उसको आसान भाषा में लिख लीजिएगा भाई। अभ्यर्थित मतलब क्या? जो सौंपे गए हैं कार्य उनका भी संपादन करेगी। इसके बाद आपका ऐसे प्रबंधन परिरक्षण तथा नियंत्रण से संबंध कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए, तो फिर बता दीजिए विहित या नियत या प्रेस्क्राइब का मतलब क्या हुआ? नियमों द्वारा भी, जो राज्य सरकार क्या बनाए? नियम। और वह ग्राम पंचायत को उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है जो ऐसे कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक और आनुषांगिक हो। इनकी ग्राम पंचायत की शक्तियों का अच्छे से प्रयोग किया जाए, इससे आनुषांगिक माने कोलिट्रल यानी कि जुड़ी हुई अन्य शक्तियों का भी प्रयोग कौन कर सकती है? भूमि प्रबंधन संस्था। इसके बाद लास्ट देखिए, भूमि प्रबंधन समिति उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपना कार्य करे, तो ये कोई मतलब नहीं इसका। अब आ जाइए बैक हो रहा है, यानी कि आपका तीन संस्थाएं और उनका कार्य भी बताया, कौन कौन? ग्राम सभा, आपका ग्राम पंचायत, और कौन? यानी कि अब आपका आधा ग्राम पंचायत समाप्त हो गया, ये मान कर चलिए आधा हम क्या किए हैं। अब आइए फिर भाई कोई एक ग्राम पंचायत की शक्तियों का उल्लेख करिए। मैं इसमें पूछा जाता है, अभी कार्य बताया गया था, अब आइए सेक्शन हम बता रहे हैं, वो मॉडल वाइज चल रहा है भाई, जो मैं इसमें आपका पूछा जाता हूँ मॉडल, उसको थोड़ा पीछे हो जाए तो आप सेक्शन हम बता रहे हैं, वो सेक्शन निकाल रहे हैं। देखिए आपका धारा 15 में ग्राम पंचायत के कार्य दिए गए, धारा 15 उसी के आपका आगे बढ़ना है। अब अगला क्वेश्चन, पहले मॉडल एक बना लिया जाए तब भाई सेक्शन वाइज चला जाए। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि ग्राम पंचायत की शक्तियों का उल्लेख करिए, यानी कि ग्राम पंचायत के हमने अभी धारा 15 में क्या बताए थे कार्य, अब उसका पावर बताया जाए, और इसके बाद आपका भूमि प्रबंधन समिति के कार्य हम बताए, तो भूमि प्रबंधन समिति का भी क्या बताया जाएगा? पावर, शक्ति क्या है। तो आइए ग्राम पंचायत, ग्राम की मुख्य कह सकते हैं संस्था होती है, और इसकी शक्तियाँ निम्नलिखित हैं,
अलग अलग सेक्शन में है। पहला आप लिखेंगे धारा 17, 17 से शुरू करना है, 3-4 सेक्शन। सेंटी निकाल लीजिए भाई, आपका सेक्शन निकाल लीजिए। अब यहाँ से सुनना है, मॉडल आपका क्वेश्चन का बनना है। देखिए आपका ग्राम पंचायत की पहली शक्ति हम बता रहे हैं सार्वजनिक सड़कों जलमार्गों, ये मेंस में आ चुका है भाई, थोड़ा अच्छे से याद रखना है। 3-4 सेक्शन और धारा 17 सार्वजनिक सड़कों जलमार्गों तथा अन्य विषयों के संबंध में ग्राम पंचायत की शक्ति। अब थोड़ा अच्छे से देखिए क्या क्या इसकी शक्ति है। पहला मैंने आपका देखा जाए ग्राम पंचायत की अपनी अधिकारिता के भीतर, मैंने दूसरे ग्राम पंचायत में नहीं अपनी ग्राम पंचायत में भीतर स्थित ऐसी समस्त सार्वजनिक सड़कों नॉर्दर्न इंडिया कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट 1873 की धारा 3 की उपधारा 1 में यथा परिभाषित नहरों से भिन्न ऐसे जलमार्गों पर, इसका मतलब ये हुआ कि समस्त सार्वजनिक सड़कों, इसके बाद आपका एक दिया है यानी कि कुल मिलाकर नहर एक्ट है और उस नहर एक्ट की धारा 3 की उपधारा 1 में जो नहरें आती हैं उनके लिए ग्राम पंचायत काम नहीं करेगी, उनके लिए आपका मैंने अलग व्यवस्था है, मैंने अपवाद दिया गया है, बस इसको एक लाइन में समेट देना है, अपनी भाषा में लिखना है, इतना कठिन भाषा यूज नहीं करनी है। और देखिए आप भिन्न ऐसे जलमार्गों पर जो निजी सड़क अथवा जलमार्ग न हो, यानी कि निजी जलमार्ग या निजी सड़क न हो, जैसे अपने घर के लिए लोग बना देते हैं, निजी सड़क न हो और जो राज्य सरकार अथवा जिला पंचायत अथवा राज्य सरकार द्वारा विनिर्देशित किसी अन्य प्राधिकारी के नियंत्रण में न हो, यानी कि उस पर राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी का क्या न हो नियंत्रण होगा और वह उसके अनुरक्षण और मरम्मत के लिए समस्त आवश्यक कार्य कर सकती है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो नहर एक्ट के तहत कुछ नहरें हैं इनके शक्ति से वो बाहर है इनकी शक्ति से। दूसरा आपका जो सरकारी आपका रोड है या जो आपका बने सरकारी सड़कें हैं या सरकार के वो भी बाहर हो गए, या स्थानीय प्राधिकारी यानी कि लोकल अथॉरिटी के एरिया में जो आ जाती है सड़कें वे भी बाहर हो गए। इसके अलावा जो अन्य सड़कें हैं उनका नियंत्रण अनुरक्षण और उनका अनुरक्षण और मरम्मत और उस पर कंट्रोल करने का कार्य किसका गांव में होगा, ग्राम पंचायत। यानी कि इसको लिखते समय थोड़ा सतर्क रहना है, थोड़ा ये सही बात है कि इतना उलझा दिया गया या उसको नहीं लिख सकते तो कितना अपवाद, तो उसको सीधे सीधे हम लिखवाते समय इस पर नियंत्रण और मरम्मत अनुरक्षण किस आपका मैंने नहर या जला नहर या सड़क का नहीं कर सकती ग्राम पंचायत और किसका करेगी, ये लिखवाते समय अलग हम कर देंगे। क्योंकि ये सही बात है कि जो बेरेट की भाषा है ये तो भाई मुश्किल है लिखना। अब देखिए क्या क्या करेगी भाई आपका, नियंत्रण भी करेगी अनुरक्षण भी करेगी मरम्मत भी करेगी, तो क्या क्या आवश्यकती होगी, तो नए पुल अथवा पुलियों का निर्माण कर सकती है, तो ग्राम पंचायत नए पुल गांव में बना सकती है कि नहीं और पुलिया बना सकती है नहीं, पुल मतलब कि बड़ा और पुलिया मतलब कि छोटा, जैसे कि छोटा नाला है तो उस पर पुल बना दीजिए ताकि गांव के लोग आसानी से आ जाएं और बड़ा नाला है तो उस पर भी बनाइए, तो पुल और पुलिया दोनों बना सकती है। यानी कि ग्राम पंचायत गांव में पुल का निर्माण कर सकती है और छोटे छोटे पुलियों का, क्यों ये किया जाता है ताकि लोगों के आने जाने में क्या हो आसान,
देख ही रहे आपका। अब ये है कि राज बड़े बड़े पुल बनाना है तो भाई गांव में आपका कभी काल सरकार भी बना देते हैं, जैसे कि आपका इलाहाबाद जिले में 3-4 पुल है आपका, मैंने 2 गंगा पर और 1 जमुना पर, तो ये ग्राम पंचायत तो ग्राम पंचायत है ही नहीं, शहर है तो इसके लिए अलग व्यवस्था है, नगर आपका पालिका बताया जाएगा, नगर निगम तो उसके लिए अलग कानून। भाई एक बार और फिर समझ लीजिए नए लोग, ये कानून शहरों के लिए नहीं बताया जा रहा है, इसके लिए केवल गांव के लिए, शहर के लिए अलग से नियम बना, वो कानून आपका जल्दी ही इसके मैंने वो भी कानून बताया जा रहा है, ये नहीं तो नहीं, मैंने ये केवल किसके लिए काम करेगा गांव के, तो नए पुल। दूसरा शक्ति देखिए, किसी सार्वजनिक सड़क पुल या पुल को दूसरी दिशा में मोड़ सकती है, आपका विलंबित कर सकती है या उसे बंद कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले कोई सार्वजनिक सड़क है, पहले से कोई पुलिया है, पुल है, तो या तो ग्राम पंचायत उसको क्या करे, बंद कर दे, या उसका मैंने कह सकते हैं कि जो उसका आपका रास्ता है, मैंने उसका रास्ता चेंज कर दे, रास्ता चेंज कर दे का मतलब ये हुआ कि पुल कहीं और निकलता था दूसरी जगह निकाल दे, या उस पुल को पूरी तरह क्या कर दे बंद। तो कभी काल ये होता है कि पुराने पुल क्या हो जाते हैं, जर्जर, और जिस पर कि अगर लोग जाएंगे तो खतरा रहता है, तो आपका वो पुलें क्या हो जाती हैं, बंद। शहर में भी ऐसा नियम है, देखिए आपका शहर में यहाँ भी देख सकते हैं, गांव में तो कम ये सब पुल दिखाई देगा, लेकिन शहर में ज़्यादा देगा, जैसे कि आपका नैनी जाने वाली पुरानी पुल है, आपका कुछ जर्जर हो गई थी तो नया पुल बन गया, और भारी वाहनों का प्रयोग क्या हो गया, वर्ष। आप फाफा मऊ वाली पुल देख लीजिए, पुरानी पुल जर्जर हो गई थी तो क्या हो गया, बंद, और नई पुल बनाकर उस पर बंद कर सकते हैं, रास्ता मोड़ सकते हैं। अगला देखिए, पास पड़ोस के खेतों को न्यूनतम क्षति पहुंचा कर किसी सार्वजनिक सड़क पुलिया अथवा पुल को चौड़ा कर सकती हैं, उसे खोल सकती हैं, उसका विस्तार कर सकती हैं, अथवा उसमें अन्य प्रकार के सुधार कर सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका रास्ता का चौड़ीकरण, बस एक लाइन जानी है, उतना नहीं पढ़ना है, क्या रास्ता का चौड़ीकरण ग्राम पंचायत कर सकते हैं कि नहीं, सकती है कि नहीं है, तो इसके लिए किया जाता है, तो कानून ये कहता है कि जो खेती की जमीन है आप रास्ता चौड़ा करिए, लेकिन प्रयास ये करिए कि खेती की जमीनों को ज़्यादा नुकसान न हो। तो गाँव में आप देखें होंगे भाई चक्रोड बनता है, तमाम चीज़ें बनती हैं, और प्रयास किया जाता है कि जो मैंने रोड चौड़ा कर दिया जाए, केवल गांव में ही नहीं, यह इलाहाबाद में भी हो रहा है, और आप देख सकते हैं, बता भी गया था कि सभी रोड बढ़ाई जाए और टूटना शुरू हो गया, ये नहीं कि नहीं हुआ है, और आपका देखिए प्रयागराज में कि लोग खुद ही अपने हाथों से क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग अकेलियागंज से इधर इस रोड पर शुरू हो गया, पूरा मैंने आपका टूट जाए, ये 4 लेन हो जाएगी ये रोड, अब मैंने आपका यानी कि ये इसकी भी बाउंड्री आपका 3-4 मीटर अंदर आएगी, जहाँ लोग हैं इसके भी टूटेगा, वो भी टूटेगा, महिला छात्रावास की बाउंड्री, तो कई जगह आपका जो प्रशासन है आपका पहले तोड़ नहीं रहा है, पहले अंदर क्या कर रहा है नाप के बंद, जैसे कई हॉस्पिटलों में बन गया है या कई विश्वविद्यालय की बाउंड्री अंदर ही पहले बाउंड्री बना दे रहे हैं, और उसके बाद जब बाउंड्री बन जा रहे हैं तब आगे वाला क्या कर रहे हैं बाउंड्री, लोगों को पता भी ज़्यादा नहीं चल रहा है, जब टूट रहा है तो पता लगा कि तो 3 मीटर क्या हो गई दीवार की, तो क्या ग्राम पंचायत रोड को चौड़ा कर सकती है नहीं,
कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। जब शहर में हो जाएगा अब ये है जो गाँव में क्यों नहीं होगा, देखते आगे भाई आपका। जल मार्गों को गहरा कर सकती है अथवा उसका अन्य प्रकार से सुधार कर सकती है। तो जल मार्ग गहरा करने का मतलब ये हुआ कि नहर जैसे बह रही है, मान लीजिए या नाली है, तो नाली में मिट्टी आपका ज्यादा जम गई है या नाली को गहरा करना है भाई, खुदवाई करके क्या करवाए, गहरा करवाए। अगला, ये नियत प्राधिकारी की स्वीकृति से और नॉर्दर्न इंडिया कैनल एंड ड्रेनेज एक्ट 1873 के अधीन कोई नहर विद्यमान हो तो सिंचाई विभाग के ऐसे अधिकारी की स्वीकृति से भी इसे राज्य सरकार नियत करे। धारा 15 के खंड घ के अधीन आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट लघु सिंचाई परियोजनाओं के अतिरिक्त लघु सिंचाई परियोजनाओं परियोजनाएं प्रारंभ कर सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ, कुल मिलाकर इतना लंबा नहीं जानना है, एक लाइन जानना है कि नियत प्राधिकारी के स्वीकृति से वह किसी नहर को जो आपका कह सकते हैं किसी नहर को क्या मैंने नियत प्राधिकारी की स्वीकृति से आपका किसी लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण कर सकती है, यानी कि छोटी छोटी नहरें भी क्या कर सकती हैं, ग्राम पंचायत बना सकता है। इतना पूरा ना पड़ेगा, छोटी छोटी नहरें भी क्या कर सकती हैं, पर उतना नहीं लिखना में उतना उलझ जाए। देखिए आगे, सार्वजनिक सड़क पर निकली हुई किसी झाड़ी या किसी वृक्ष की किसी शाखा को काट सकती है। तो आप लोग रोड पर जाते होंगे तो रोड पर देखते होंगे कि कई पेड़ लगते हैं कि आपका वाहनों पर क्या होंगे, गिर जाएंगे, या कई पेड़ सूख गए हैं और कब गिर जाए वो वाहन पर और वाहन स्वामी से लेकर वाहन भी समाप्त हो जाए, वाहन स्वामी को भी चोट आएगी। तो किसका कार्य है कि खतरनाक पेड़ों को या झाड़ियाँ जो रोड पर आ गई हैं सार्वजनिक सड़क पर उनको काटा जाए, तो किसका कार्य है, ग्राम पंचायत, ये शक्ति है उसे। देखेंगे गांव में आपका, तमाम गांव में जहाँ की पेड़ आपका कह सकते हैं लटके हुए हैं, आपका बांस लटके हुए हैं, तमाम झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों को साफ करवाएं प्रधान जी, और उसका मनरेगा से पैसे से कराते सबसे अच्छा है। पर मजदूर शांति से बैठा हो तो चलो क्या करो, किनारे किनारे क्या करो, जो ये ऊपर ऊपर डाल रहे झाड़ी है साफ करो। अगला देखिए, किसी सार्वजनिक जल मार्ग को पीने अथवा पाक क्रिया संबंधित प्रयोजनों के लिए पृथक किया जाना और अधिसूचित कर सकती है, और स्नान करने, कपड़ा धोने और पशुओं के नहलाने अथवा अन्य ऐसे कार्यों के किए जाने का जिनसे इस प्रकार पृथक किए गए जल मार्ग दूषित होने की संभावना हो प्रतिषेध कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जल आपका जो जल है यानी कि तालाब कुआं या जो भी जल आपका गांव में, तो ग्राम पंचायत अगर जाने तो अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग तालाब भी बनवा सकती है, या जो जल है उस जल का यूज किसके लिए किया जाएगा ये भी विहित कर सकती है। जैसे एक तालाब में बोलो भाई ये आपका जलाशय इसका पानी पिए, दूसरा तालाब है तो हो गया कि चलो इसमें स्नान करेंगे, तीसरा है तो हो जाएगा कि चलो भैंस गाय बकरी सुबह क्या करिए उसमें स्नान करवाइए। तो ये कर सकते हैं कौन, ग्राम पंचायत, ताकि पूरा जल दूषित न हो। इसका उद्देश्य क्या है, गांव में कहाँ कोई मानता है, ये कहीं आपका तालाब है तो उसी तालाब में लोग क्या करते हैं, खुद भी नहाते हैं,
और भैंस को भी नहवा देते हैं, और गई भैंस कहाँ पानी में और खुद भी पानी में चले गए, तो डूबने डूबे न इसके लिए भैंस के ऊपर चढ़ जाते हैं ताकि डूबने से क्या हो जाए, बच जाए। अब आपका एक आया है पाक क्रिया, तो ये पाकिस्तान चल जाएगा। पाक क्रिया मतलब किस सौ चीज क्या थी ना, तो उसको लिख जैसे ना है तो शौचालय डांस देख लीजिएगा, आपका शौचालय डांस भी आपका सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर सर्च करिए। अगला देखिए भाई धारा, तो पारा शक्ति आपका कौन सी धारा से निपट गई 17, क्योंकि शक्तियां कई धाराओं में दी गई है, तो भाई उतना तो लिख नहीं सकते, तो लिखते समय ये हम आपका लिखवाएंगे, तो लिखते समय ये प्रयास करना है कि पूरा हम जो बता रहे हैं नहीं लिखना, इसमें से आपका कुछ छांट छांट के मेन मेन क्या हम करेंगे, क्योंकि 10 पे थोड़ा लिखवा जाए भाई, अधिकतम 2 या 2.5 पेज में एक क्वेश्चन आपका 3 पेज जा सकता है, इससे अधिक नहीं, क्योंकि समय ही नहीं है कि आप वहाँ लिखें, बस आप हेडिंग डालकर और 5-5 लाइन की मेन चीज लिख दे पर्याप्त है, क्योंकि उतना समय नहीं। आइए साफ सफाई पर ध्यान दिया जाए, तो धारा 18 बताती है कि ग्राम पंचायत सफाई का सुधार, यानी कि आपका सफाई भी करवाए, तो भाई ग्राम पंचायत का ये कार्य है कि आप गाँव साफ सुथरा रहे, इसके लिए कार्य करे, तो स्वच्छता अभियान चला दीजिए। कौन सा अभियान? स्वच्छता अभियान चला दीजिए, श्रम कराइए लोगों से, और आपका लोगों को प्रोत्साहित करिए कि गांव स्वच्छ रहेगा तो बीमारी भगे रहेगी, कोरोना आएगा नहीं कब क्या रहेगा, और स्वच्छता के नाम पर टैक्स भी लगा दी, स्वागत टैक्स भी बताया जाएगा, ये नहीं कि ऐसे स्वच्छ हो जाएगा क्या, ग्राम पंचायत टैक्स भी लगाती है भाई, अभी आगे बताना बाकी है। लेकिन आपका सफाई का सुधार, तो सफाई के सुधार में जो आपका स्वच्छता टैक्स लग रहा है, शेष जिसे कहा जा रहा है, तो आप देखोगे शेष की मात्रा बढ़ाती गई, यानी कि इसका मतलब कि पेट्रोल खरीदिए तब भी हम सफाई टैक्स दे रहे हैं। अब देखिए आपको भले एहसास न हो, जो ये इतना थोड़ा साफ सफाई शहर दिख रहा है तो ये फालतू में थोड़े दिख रहा है, इसके लिए हम टैक्स भर रहे हैं, पेट्रोल खरीद रहे हैं, डीजल खरीद रहे हैं, कपड़ा खरीद रहे हैं, मोबाइल खरीद रहे हैं, तो सब पर आपका क्या लगा है शेष। अब मात्रा इस बजट में हम देख लेंगे, कुछ बड़ी है कुछ चीज़ों पर शेष, ताकि सफाई में और स्वच्छता अभियान में तेजी आए, ये भी याद रखे मात्रा बड़ी है, तो ऐसे नहीं जो हम लोग टैक्स दे रहे हैं ये टैक्स अलग किया जाता है और सफाई के लिए पैसा भेजा जाता है, यानी कि हमारे ही पैसे से ही सफाई होती है, सरकार अपना पैसा नहीं लगाती, ये दिमाग में बैठा रही है, वो अलग बात है कि डायरेक्ट नहीं, बल्कि ये कौन सा टैक्स है इनडायरेक्ट, मतलब कि पता नहीं चलता काम हो गया, यानी कि पेन आप लिख रहे हैं कापी ले रहे हैं इस पर भी टैक्स है, बस ये है कि आपको पता नहीं भाई, ये जो भी यूज किया जा रहा है सब पर टैक्स लगा है, ये नहीं कि आपका देख के आगे भाई, तो सफाई में सफाई का सुधार किया जाए, तो ग्राम पंचायत क्या क्या भाई सफाई या स्वच्छता अभियान चलाएगी, तो बस आपका मैंने कुछ ना है तो अपने नाला साफ कराइए, सड़क साफ कराइए, जलाशय साफ कराइए, सब को लिख सकते हैं ना, तो ये तो 5 लाइन ऐसे ही आप लिख लेंगे। देखिए सफाई के सुधार के लिए ग्राम पंचायत नोटिस द्वारा किसी भूमि अथवा भवन के स्वामी या अभ्यासी, तो भूमि तो आ गया ठीक है भाई, भूमि अथवा भवन के स्वामी, तो भवन मतलब मकान का स्वामी, और अगला शब्द है अभ्यासी, उसको लिख लीजिए आसान भाषा में, क्या कहें अभ्यासी यानी कि ऑक्यूपायर भी कर सकते हैं, कब्जाधारी जो पजेशन पाया,
जो आपको पार किया होगा, आपको पार कहा जाता है, उस पर लिख लीजिए आपको पार करना कब्जा या आधिपत्य। यानी कि जो व्यक्ति किसी भवन पर भले स्वामी न हो लेकिन क्या रखता हो कब्जा, तो सबसे अच्छा तो किराएदार है। किराएदार भवन का स्वामी नहीं होता लेकिन भवन पर क्या रखता है कब्जा, अध्यासी उसे कहते हैं। भाई जो भाई जो लोग नए हैं न सब समझ में आए तो उसका उपाय ये है कि आप भाई लिख ली डेरेक्ट पर या अलग से। देखिए अगला भाई, अध्यासी को उसकी वित्तीय स्थिति का विचार करते हुए, मैंने फाइनेंशियल स्थिति का विचार करते हुए, पैसा है कि नहीं विचार करते हुए, और उसे उसके पालन का यथोचित समय देकर निम्नलिखित के लिए निर्देश दे सकते हैं। उनकी ग्राम पंचायत निर्देश देगी, किसको निर्देश देगी, किसी भूमि के स्वामी को, भवन के स्वामी को, या किसी आपका भूमि या भवन के कब्जेधारी को। क्या निर्देशा निर्देश दे सकते हैं, साफ सफाई का कि गांव है, गांव में तुम्हारा भवन क्या हो गया, बहुत खराब हो गया है या पूरा करकट हो गया है, तुम क्यों नहीं साफ कर रहे हो, तुम अपने मकान को या भूमि को क्या करो साफ करो। ये कौन नोटिस दे सकती है, तो ग्राम पंचायत किसको देगी, या तो भूमि के स्वामी को, या किसको, भवन या भवन के क्या जो कब्जाधारी है भले स्वामी ना। अब देखिए आपका चार खंड दिए गए हैं नोटिस के बाद, देखिए क्या निर्देश दे सकते हैं ग्राम पंचायत। ऐसी भूमि अथवा भवन से संबंधित किसी शौचालय, मूत्रालय, नापदान, नाली, आपका मलकूप अथवा गली, सलेज जल या मलबा या कूड़ा करकट के अन्य पात्र को बंद करने, हटाने, परिवर्तित करने, मरम्मत करने, साफ करने, कीटाणु रहित करने अथवा अच्छी हालत में रखने, अथवा ऐसे किसी शौचालय इत्यादि का जहाँ दरवाज़ा खुलता है, मान लीजिए रोड पर ही खुलता है या लोग आते जाते हैं, तो उसको बंद करने, उसको हटाने या उसका मुंह कहीं और करने के लिए क्या कर सकती हैं, नोटिस जारी करके आप मांग कर सकते हैं। कौन मांग कर सकती हैं, ग्राम पंचायत, ये सब बंद करिए या इसका मुख क्या करिए मोड़ दीजिए। क्यों, क्योंकि आने जाने वाले या पड़ोस के लोगों को उससे क्या हो रहा है, तो असुविधा या क्षोभ हो रहा है, यानी कि आपका कह सकते हैं कि उन्हें कष्ट हो रहा है, रोज उसी रास्ते से आ जा रहे हैं और रोड पर ही आपने शौचालय का क्या खोल दिया है दरवाजा, तो आप बंद करिए अपने घर के अंदर से रखिए, ये दे सकते हैं। अगला देखिए, किसी निजी कुएं, तालाब, जलाशय, हौज, कुंड, आपका गर्त गड्ढे या उसमें किए गए खदान को जो ग्राम पंचायत को पास पड़ोस के व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अथवा दुर्गंधयुक्त प्रतीत हो, साफ करने, उसकी मरम्मत करने, उसे ढकने, पाटने, निस्तारित करने, गहरा करना अथवा जल निकालने के लिए भी दे सकती हैं कि जो कुंड है इत्यादि है इसको ढकिए। यहाँ थोड़ा आपको बताना पड़ेगा को लेख करके। देखिए जो खान है, खदान है, कुंड है या तालाब है या बोरेवल या गड्ढा उड्ढा रोड पर भी खोद दिया जाता है, तो आजकल तो पूरे इलाहाबाद में देखिए तो कहीं ना कहीं गड्ढा मिल ही जाए, और दो चार बाइक वाले जो आपका दो बूंद लेकर चलाते हैं वो गिर गिरते पड़ते नजर आ ही जाए, इसमें कोई शक नहीं है, कहाँ कौन गड्ढा खोदे कोई भरोसा ही नहीं है। कभी ना कभी आपका नल लगवाने के लिए तो कभी आपका नाली बनवाने के लिए रोज गड्ढा खोदा जा रहा है, जबकि ये मना है, ये अपराध है, बिना अनुमति के आप नहीं खोद सकते। तो ऐसी दशा में दो तीन नियम यहाँ एक्स्ट्रा जाकर आपको देखने खोद लेते हैं। ठीक है, गड्ढा खोदा है तो पाटिए, बाड़ लगवाइए, इत्यादि करिए, बोरेवल हो गया
आप खोल कर छोड़ दिए हैं और तो भाई बाढ़ लगवाई है, क्योंकि उससे किसी को क्या हो सकता है, कोई आदमी रात बिरात गया उसी में क्या हुआ, गिर गया, और बच्चे ज़्यादा गिर रहे हैं, और कई आपने देखा भी कि अभियान भी चला, कई बच्चे जिंदा भी बचे और कई बच्चे क्या हो गए, मर भी गए। तो ग्राम अब ऐसी दशा में जो ये बोरे बल यानी कि आपका जो खोदा जाता है पानी के लिए, जाती है, तो ऐसी दशा में इसका नियम है कि अगर यहाँ खोदी है तो आप नहीं है तो वहाँ बाढ़ लगाइए। क्या लगाइए आप? बाढ़। जैसे कि आपका यहाँ भी इलाहाबाद में गड्ढा खोदते हैं आपका रोडों पर, तो पहले पूरी तरह उसको क्या करते हैं, घेरते हैं, ताकि कोई उसी में जाकर बच्चा या बूढ़ा या दो मुंह वाला गिर न जाए, तो गिरेगा तो पता लगा हाथ पैर टूट गया और चला गया ऊपर। वैसी दशा में आपको थोड़ा बहुत यहाँ मैंने कुछ अपराधों से भी जोड़ना है कि अगर आपने गड्ढा खोदा और गड्ढे को पाटा नहीं और सार्वजनिक सड़क को खोदा है, वैसी दशा में ये आपका पब्लिक न्यूसेंस हुआ। क्या होगा? क्योंकि लोगों को आने जाने में क्या हो रही है जी, अगर आपने गड्ढा खोदा और बाढ़ नहीं लगवाई, तालाब बनाया, कुआं बनाया, अब बाढ़ नहीं लगवाई, तो ऐसी दशा में एक सेक्शन CRPC का 133 जाकर आज पढ़िएगा, एकदम हूबहू आपका चलेगा। CRPC की धारा कौन सी, 133 के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट आदेश दे सकते हैं कि इस तालाब कुआं में क्या लगवाइए, बाढ़ क्या लगवाइए, ताकि कोई गिरे, ये है। और यही आपका ग्राम का मामला है, तो ग्राम मैंने ग्राम में एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी दे सकते हैं, लेकिन यही कार्य कौन कर सकती हैं, ग्राम पंचायत। या आप तालाब खुदवाए हैं, गड्ढा खुदवाए हैं, खान आपकी है, तो क्या लगवाइए, बाढ़ मैंने बाउंड्री बनवाइए ताकि कोई इसमें गिरे। अगला देखिए भाई आपका, किसी वनस्पति वृक्षों के नीचे उगी हुई झाड़ियाँ नागफनी और झाड़ झंखाड़ को साफ करने के लिए निर्देश दे सकती है, यानी कि जो झाड़ झंखाड़ है उसको क्या करिए आप, घर और दरवाजे के सामने या जो भवन में है, मकान में या जमीन में आपके, साफ करिए। और अंतिम आपका, धूल गोबर मल खाद अथवा कोई हानिकारक या दुर्गंधयुक्त पदार्थ को वहाँ से हटाने अथवा भूमि अथवा भवन को साफ करिए ताकि चमकता रहे और बाहरी लोग आए तो आपकी क्या करें, प्रशंसा। किसका कार्य है कि नोटिस जारी करे और करवाए, ग्राम पंचायत। देखिए आपका भाई, प्रतिबंध यह है कि व्यक्ति जिस पर खंड ख के अधीन कोई नोटिस तामील की जाए, नोटिस प्राप्ति करने के दिनांक से 30 दिन के भीतर जिला स्वास्थ्य अधिकारी को उक्त नोटिस के विरुद्ध अपील कर सकता है और जो उसे बदल दे, रद्द कर दे। यानी कि चूंकि साफ सफाई का मामला है, तो जिस व्यक्ति को नोटिस जारी हुई है कि आप अपने मकान को साफ इत्यादि करिए, तो वह इस नोटिस के विरुद्ध अपील कर सकता है, ये HS में प्री में पूछ सकता है। इस नोटिस के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है, तो जिला स्वास्थ्य अधिकारी के पास, और कितने दिन के अंदर, 30 दिन, और मांग की जाएगी जरूरी नोटिस को रद्द करिए। ग्राम पंचायत का प्रधान हमारे प्रति दुर्भावना रखता था, हमारा मकान बिल्कुल साफ है और स्वच्छ है, ये जबरदस्ती नोटिस जारी किया है, तो नोटिस को क्या करिए। अब आइए ग्राम पंचायत और विद्यालय देख लिया जाए आपका, मैंने कार्य आपका पहला तो मार्ग को सही किया गया 17 में और साफ सफाई करवा दी गई ग्राम पंचायत की नोटिस पर की धारा में 18 में। अब थोड़ा आपका विद्यालय बता, बचा स्कूल, बचा अस्पताल, बचा तो आपका विद्यालय और अस्पतालों में भी गांव में सुधार करवा दिया जाए। वैसे भी कोई डॉक्टर गांव के अस्पताल में टिकता ही नहीं, आपका बस वही राज काज है,
गांव के अस्पताल में कौन सा डॉक्टर दिखता है बताइए, अस्पताल में तो आते ही नहीं। हफ्ते में दो दिन आएंगे, खाना पूर्ति करेंगे और क्या करेंगे, प्राइवेट रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और ज्यादा सरकार दबाव बनाती है तो डॉक्टर ही छोड़कर प्राइवेट रहेंगे, क्योंकि सरकारी से ज्यादा पैसा किसमें है, प्राइवेट में, इसीलिए सरकारी डॉक्टर कम और प्राइवेट क्या है ज्यादा। तो थोड़ा स्कूल उसकूल सुधरवा दिया जाए। देखिए भाई, ग्राम पंचायत ऐसे नियमों के अधीन धारा 19 चल रही भाई, विद्यालयों और चिकित्सालयों का अनुरक्षण और सुधार। ग्राम पंचायत ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो पाठ्यक्रम अध्यापकों के सेवायोजन तथा अहर्ता और विद्यालय के पर्यवेक्षण के संबंध में नियत किया जाए किसी विद्यमान प्रारंभिक विद्यालय की, जिसमें उसके भवन और फर्नीचर सम्मिलित हैं, अनुरक्षित करेगी, यानी कि उनकी देख रेख करेगी, यानी कि ग्राम पंचायत का भवन पर कब्जा कर ले कोई। तो कई जगह आप देखेंगे कि विद्यालय के भवन पर स्कूल नहीं चलता, बल्कि लोग भूसा भरती हैं जाकर। ये सरकारी जमीन पर क्या है, कब्जा। मास्टर साहब दिल्ली रह रहे हैं और आपका शिक्षा अधिकारी को, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं, 10,000 दे रहे हैं। आप भी खुश, हम भी खुश और आपका बच्चे भी खुश। बच्चे भी जानते हैं कि पंजीरी घर घर बांटी जाएगी और आना है नहीं, पैसा मिल रहा है, ड्रेस मिल गया, जूता मिल गया, अब क्या पढ़ना है, पढ़ना क्या है। यह स्थिति उत्तर प्रदेश की है 80%। मैं बता दूँ, जाकर सरकारी स्कूल में कभी मुआयना